ग्यारहवें दिन पानीपत ने की इतनी कमाई जितना खुद अर्जुन कपूर ने भी नहीं सोचा होगा। अर्जुन कपूर, कृति सनोन और संजय दत्त की फिल्म पानीपत बॉक्स ऑफिस पर अब भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म अभी भी सिनेमा घरों में अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिल्म पानीपत के चरित्र महाराजा सूरजमल को लेकर विवादों में घिरी रही। हालांकि विवादों के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत कमाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म के शुरुआती आंकड़ों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानीपत ने पिछले दिन 80 लाख रुपए कमाए होंगे। ऐसे में फिल्म 11 दिनों में कुल 30.30 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। अर्जुन कपूर, कृति सनोन और संजय दत्त की पानीपत एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसे आलोचकों और दर्शकों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। यहां तक कि पानीपत को कार्तिक आर्यन की पति पत्नी और वो के साथ कड़ी टक्कर मिली है, जबकि पानीपत को महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। फिल्म दिल्ली, यूपी और राजस्थान जैसे कुछ क्षेत्रों में पिछड़ गई। वहीं कमाई के मामले में फिल्म ने पहले दिन 4.12 करोड़, दूसरे दिन 5.78 करोड़, तीसरे दिन 7.78 करोड़, चौथे दिन 2.59 करोड़, पांचवें दिन 2.21 करोड़, 1.70 करोड़ की कमाई की। छठे दिन, आठवें दिन 1 करोड़, नौवें दिन 1.50 करोड़, दिन में 1 करोड़ और ग्यारहवें दिन 80 लाख रुपए कमाए।